स्नेहिल ओपी गेमिंग का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया, फिर स्काउट का गुड न्यूज के बारे में बात करेंगे, गॉडलाइक में कुछ न्यू प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्नेहिल के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा अभी जो मैटर हो रहा है टीम मायावी का, तो उसमें कुछ यहाँ पे उसको थ्रेट्स मिला था। कुछ दिन पहले उसने वीडियो बनाया था कि उसका एड्रेस लीक किया जा रहा है, फिर उसका यहाँ पे मतलब वो सब कुछ प्रिकॉशन ले लिया था, उस पर चैनल पे स्ट्राइक भी आता, बट वो सब कुछ रिमूव कर दिया था। फिर अभी जब मैंने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो भाई इंस्टाग्राम अकाउंट शो ही नहीं कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने उसका लिंक से ओपन किया तो लिखा आ रहा है कि ये अवेलेबल ही नहीं है इंस्टा पे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, यहाँ पे शायद से टर्मिनेट हो गया है। मतलब आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम बहुत ही बेकार ऐप है, मतलब अगर कोई मास रिपोर्ट आता है किसी अकाउंट में तो उसको सीधा ब्लॉक किया जाता है, मतलब उसको डिलीट कर दिया जाता है वो अकाउंट को। तो शायद वैसा कुछ हुआ होगा या फिर ये खुद से डीएक्टिवेट करने के बाद भी ऐसा कुछ आता है। बट मुझे नहीं लगता कि स्नेहिल खुद से डीएक्टिवेट करेगा अपना अकाउंट, क्योंकि डीएक्टिवेट करने से उसको कुछ यहाँ पे फायदा तो है नहीं। अब कुछ कह नहीं सकते भाई, यहाँ पे जो भी होगा पता चल जाएगा। और डीएक्टिवेट करने पर भाई मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको डीएम करके बताते हैं कि जो भी यहाँ पे मैटर हो रहा है, तो हो सकता है कि टर्मिनेट हुआ हो। अगर टर्मिनेट हुआ है तो भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है वापस आने में। खैर आप लोग बताना कि आप लोग को क्या लगता है इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं स्काउट। तो स्काउट का जो चैनल पर एक स्ट्राइक आया था, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो वो रिमूव हो चुका है। तो स्काउट ने स्टोरी बताया कि वो वापस से स्ट्रीम करेंगे आज से, मतलब आज रात तक में शायद स्ट्रीम कर देंगे। फिर उसके बाद गॉडलाइक के बारे में बात करते हैं। तो कल गॉडलाइक जब स्क्रीन्स खेल रहे थे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स, तो उसमें दो न्यू नेम देखने को मिल रहा था, एक था गॉडलाइक ट्रायआउट्स और एक था गॉडल एजान। हाँ ये यही कुछ नेम है। तो ये दोनों भाई कोई न्यू प्लेयर नहीं है, गॉडलाइक ट्रायआउट जॉनाथन है और जो एजान है वो एस पावर है, जो कि एस पावर को एनिमे देखना पसंद है तो वही नेम रखा है। और यहाँ पे भाई वो लोग अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई आप लोग बताना कि क्या लग रहा है गॉडलाइक में, क्या कमी है, क्योंकि भाई वो लोग कल जब मैंने मैचेस देखा कुछ कुछ, तो उसमें भाई वो लोग फाइट ले रहे थे पर बहुत सारे फाइट में वो लोग चोक कर रहे थे, अच्छा खेल नहीं पा रहे थे, जोन मिलने के बाद भी वो लोग किल्स नहीं निकाल पा रहे थे। तो शायद वो लोग थोड़ा चेंज किए हैं, वो लोग प्लेसमेंट पॉइंट ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। खैर अभी यहाँ पे शैडो ही नहीं खेल रहे जो कि IGL है, और IGLing शायद से एस पावर कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखते हैं राउंड टू में क्या होगा, क्योंकि राउंड टू क्वालिफाई करना ही पड़ेगा BGIS में आगे बढ़ने के लिए। खैर चलो यार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।